आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, आईटीबीपी कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन, आईटीबीपी ड्रेसर वेटनरी, आईटीबीपी एएसआई फार्मासिस्ट, इन जो सारी भर्तियां लगी हैं इनका फिजिकल कब है इसका लेकर तो लगभग सभी को आप लोगों को पता ही चल रहा है कि जो एक डेट आपको बताई जा रही है कि आपका मार्च या फरवरी में एग्ज़ाम होगा या वो फिजिकल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये तो 100% क्लियर नहीं है कि होगा मार्च में या नहीं होगा, लेकिन जो अभी तक का जो डाटा बन रहा है या फिर जो जानकारी मिल रही है कहीं ना कहीं वही मिल रही है कि मार्च में आपका फिजिकल होना संभावित है। जो आपका फिजिकल है वो मार्च में संभावित होगा, 10-15 दिन पहले मार्च चले लास्ट फरवरी तक आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और उसके बाद फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। जब फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे तो क्रमबद्ध फिजिकल चलते रहते हैं। मैं हर वीडियो में आपको यही बताता रहा हूँ कि क्रमबद्ध फिजिकल चलते रहते हैं। जैसे एएसआई का ख़त्म हुआ तुरंत उसी के एक दिन बाद लग जाएगा आपका ट्रेडमैन का, उसके एक दिन बाद लग जाएगा एनिमल ट्रांसपोर्ट का, उसके मतलब क्रम जरूरी नहीं कि यही है बट क्रमबद्ध रहेगा फिजिकल। जैसे फॉर्म भरा गया था वैसे ही फिजिकल भी होगा, ठीक है। तो आपके आईटीबीपी के सेंटरों पर फिजिकल होगा, ये तो 100% श्योर है। उसके बाद आपका ये मान चलिए कि मई में आपका लगभग लिखित परीक्षा होगी, तो आप लोग लिखित परीक्षा की तैयारी भाई जरूर करते रहिएगा। बाकी मैं अपना पूरा डाटा आपको बताऊंगा कि किस वजह से मैं रह गया आईटीबीपी में सिलेक्शन लेने से, सब कुछ आपको बताऊंगा। 3-3 भर्तियां देखा हूं एक ही साल में लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। उसके लिए आप लोग टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलता हूं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।